अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको 22nd सहरी बहुत बहुत मुबारक। और अब बस एक एक दिन ख़त्म होते रमज़ान के, अच्छा नहीं लग रहा है सोच सोच के फ्रेंड्स, क्योंकि ये महीने में ऐसा एक्साइटमेंट रहता है इंसान में, हम मुसलमानों में खास तौर पे, कि साल भर जो नहीं रहता अभी रहता है हम लोगों में। रातों को जगना तो आजकल हर इंसान ने शुरू कर दिया है मोबाइल के लिए, मगर इबादत के लिए तो सिर्फ रमज़ान ही है ना? क्या पता अगला साल नसीब हो ना हो रमज़ान हमें। तो इसीलिए हर साल के रमज़ान इंसान जीना ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। आप लोग क्या सोचते हैं रमज़ान के बारे में, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। मैं तो यही सोचती हूँ, पता नहीं अगला साल नसीब हो ना हो। आजकल तो पहले के मुकाबले ज़्यादा, समझ रहे हैं आप, मैं बोलना नहीं चाहती अच्छे वक्त पे ये सब बातें। हाँ, अल्लाह सबका अच्छा करे, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, नेकियाँ करने की तौफीक दे और अल्लाह के सारे फ़र्ज अदा करने की तौफीक दे परवरदिगार। सबके बच्चों को नेक बनाए, माँ बाप का हमदर्द बनाए, माँ बाप का फर्मबरदार बनाए, आमीन। अल्लाह सब बच्चों को कामयाबी दे, रोज़ी दे, है ना? आप लोग भी दुआ कीजिएगा। एक्चुअली सामान निकाल रही हूँ ना, तो हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग समझिए। बेटा दे रही हूँ, मम्मा दे रही हूँ। हाँ, फ्रिज में बर्फ बहुत जम गई है, कहाँ रखूँ? आमिना उठो बेटा, आज आया सोया ही नहीं है। आज नुमान को रोक के रखा था और वो नुमान रात भर जागे। अब देखो सुबह क्या होता है, मैंने कल से उसको फोन नहीं दिया खेलने के लिए, सिर्फ इसी वजह से कि वो सोता नहीं है और फिर बेड टाइम सोने को करता है। मगर अल्लाह का बंदा देखो, फिर भी किसी न किसी जरिए जाग ही गया वो। और आज हम खाएंगे सहरी में अयान कल अयान बोल रही है रे पियो है ना, रात को बाजी ने क्या हरियाली चिकन ला के दिए, अल्फू ने बनाया, तो अयान बोला आंटी टेस्ट कराना करके। एक मिनट के देखिए, अल्फू भाई ने बनाया था रात में, तो आयान ने बोला था आंटी टेस्ट कराना, तो बाजी ने ला के दिए, आप लोग टेस्ट कर लेना। पर हमने तहारी बनाए थे ना, देखो अभी भी रखी हुई है, तो इसलिए हम टेस्ट नहीं कर पाए। आयान तो खाना ही नहीं खाया, एकदम लास्ट में खाया, तो थोड़ी सी तहारी खाया, पर अभी सहेली के लिए रख दिए थे हमने उठा के। और ना कल से माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी है, अभी हमने टेस्ट नहीं करे मगर खुशबू बहुत अच्छी है। तो है ना, कल से पीयू ना उस सब्जी के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को वही खाना है करके। अभी भी ना फ्रिज खोली ना, तो ऊपर चढ़ के उसी को देख रहा था। हाँ, उसके पापा वाले दे दो उसको, दे देंगे। चलिए, मैं आज बना रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि सब्जी बैगन है जो मैं रात को बनाऊँगी। नहीं, शायद से आमीना तो वो बनाने वाली है ना, कुछ तो भी चिकन का डिश बनाने वाली है, तो पर मम्मी के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तो शायद मैं बैगन भी बना ही लूँगी ताकि वो सहरी के भी काम आ जाए। काले वाले बैगन लाई हूँ छोटे छोटे, तो हाँ लाई हूँ मैंने, तो हैदराबादी बैगन बनाएंगे हम लोग, हैदराबादी सारे बैगन। तो चलिए उठाती हूँ, बज गया है 3:30 है ना, चाय चढ़ाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, लास्ट में ऑमलेट बनाऊंगी लोगों के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर से।
मीन्स मैं उठ गई थी 9:30 बजे से, इनको फिर से बुखार चढ़ गया है, मुझे लग रहा है लू वो लग गई है शायद से, आज लू उतार ही है, थोड़ा नमाज के बाद उतरते ही धूप में उतारते हैं ना, बोलते 3-4 बजे उतारूंगी उनकी लू, और है ना सुबह से उठ के ना तड़प रहे, एक्चुअली रात में उनको लग रहा था, मगर रात में ऐसा गर्म बदन नहीं हुआ था उनका, पर वो बोल रहे थे मुझे कुछ बुखार जैसा लग रहा है लग रहा है, मगर हमको था नहीं ऐसा, फिर भी उनको है ना पट्टी करी थी मैंने, तलवे उनके बहुत गर्म हो रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा तलवे हाथ के और पैरों के ये जो हो जाते हैं ये गर्म होते हैं तो क्या वही लू होती है क्या, आप लोग मुझे लिख के बताइएगा प्लीज़ कमेंट में, तो है ना मेरी देखिए फिर ये कल वाली ब्लॉग भी आज लेट ही आई है आप लोगों के पास, क्योंकि ना मैंने मेरी नींद भी नहीं हो पा रही है और ना मैं उनके साथ ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो देखिए मेरे को 9:30 बजे से मैं उठी हूँ और मैं सोई करीबन 6:15 बजे सोई हूँ, हाँ 6:15 बजे सोई हूँ और 9:30 बजे उठ गई और रात भर भी जगी हूँ, रात को मैं नहीं सोई और मेरे को ऐसी नींद आ रही है, बस मैं अब जुम्मा पढ़ूंगी, पारे पढ़ ली हूँ मैंने, आधा पारा पढ़ी हूँ अभी, और मैं जो सोऊंगी तो सीधा मुझे लग रहा है 5 बजे उठूंगी, आज मैं बना रही हूँ डोसा, तो मेरे पास आलू बॉईल करा हुआ है ऑलरेडी, अभी मैं डोसे का बैटर पीस लेती हूँ, मैंने रात में भिगाती है दशहरी में, अभी मैं बैटर पीस के रख देती हूँ नमक वमक डाल के तो फर्मेंट हो जाएगा, अभी बच्चे सोए हैं उन्हें उठाती हूँ, गुसल वगैरह करना है, जुमा है तो पानी वानी मैंने रख दिया उन लोगों का, उन लोगों को उठाती हूँ, मेरे बर्तन धुले हुए हैं सारे धुले हुए हैं, जो 2 कप है ना अभी पापा इसके पापा और भाई जन पे नीचे वाले तो वो पड़े हुए, बाकी सब धुला है, और प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए मेरे हस्बैंड के लिए जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए, और है ना मेरे बच्चों की भी शॉपिंग पड़ी हुई है, पता सबकी शॉपिंग हो गई है, मेरे बच्चों की नहीं हुई है, पापा अच्छे होंगे तो ले जाएंगे ना पापा के साथ, बेचारे बोल भी नहीं रहे कि हमको कुछ दिलाए नहीं है कुछ नहीं, बच्चा बड़े हो गए ना समझदार हो गए कि पापा की तबीयत खराब है तो कैसे क्या, देखिए तो आज मैं बना रही हूँ डोसा और चटनी और आलू की, वो तो उसके साथ चटनी रहती है आलू की, और क्या बनाऊँ मन भी नहीं है, 5 बजे उठूँगी तो मेरे से चटनी और वही बनाना रहेगा बस, देखिए मेरे ग्रे हेयर्स कितने हो गए ना, आज कलर भी करना है मेरे को, रात में करके हेयर वॉश करके सोऊंगी कितनी भी रात हो जाए, वैसे भी रात को बहुत गर्मी हो रही है यार, मैं बिना 2 बार आज अब तो 2 बार नहाने का टाइम आ गया, मैं जितना अवॉइड करती हूँ ना कि मैं रात को ना नहा के सो, क्योंकि ना मुझे किसी डॉक्टर ने बोला था जब मुझे डेंगू हुआ था ना 2 साल पहले तब, कि आप है ना ठंडे पानी से नहा के और कूलर के सामने नहीं सोना, मैं सो 3-3, 4-4 बार नहाती थी पता है आपको, गर्मी में मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मगर 2 साल से मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा मोटापा बढ़ रहा है और इस मोटापे से तो बहुत सारी बीमारियाँ लगने की तकलीफ हो सकती है, तो इसीलिए ना मैं बहुत कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश करती हूँ, बहुत गर्मी बर्दाश्त कर रही हूँ 2 साल से, मैं नहाती नहीं हूँ रात के सोने के टाइम में अक्सर करके नहीं नहाती हूँ, अगर बहुत ही ज़्यादा ही हो रही है बेचैनी तो ही मैं डालती हूँ पानी, वरना मैं नहीं नहाती, और एक तो मुझे गर्मियों में गर्म पानी नहीं चलता, एक बूंद गर्म पानी नहीं, ठंडा ही पानी चाहिए, तो ठंडे पानी से नहा के एकदम कूलर के सामने आके सोने से ना हकीकत में बीमारियाँ होती है, बात होती है, लकवा मारने का डर रहता है और सर्दी बुखार होने का डर रहता है, इसीलिए ना मैं बहुत बचती हूँ, तो फिर मैं रात को मुझे नहाना था मगर है ना इनकी तबीयत ख़राब थी, फिर 12:30-12 बजे तक हम इनके पीछे बैठे रहे, मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ नहाने, फिर मैं बोली नहीं, फिर मुझे पंखे के सामने, हालांकि कूलर चालू नहीं करी मैंने, इनको गर्म हो रहा था मगर ये होने नहीं, पंखा नहीं चालू, कूलर नहीं चालू करने दिए, पंखे में सोए हम लोग और उस वजह से और मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि इनको सर्दी खांसी भी है ना तो ये डर रहे थे मुझे खांसी, वैसे भी खांसी हो रही है और खांसी होगी करके, तो फिर मैंने बोले जाना तो उनको नहीं अच्छा लग रहा था, बीमार का देखना पड़ता है, तो खैर चलिए मैं बच्चों को उठा देती हूँ, लेट हो जाएगा वरना आयान को जमात नहीं मिलेगी, फिर आप लोग से मिलूंगी मे बी 5 बजे मिलूंगी फ्रेंड्स, तो थोड़ा मेरे ब्लॉग को समझिएगा, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए है ना, लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़, अगर मैं भूल जाती बोलना तो आप लोग याद रखा कीजिए,
ठीक है, मिलती है आपको फिर। यहाँ मम्मी पढ़ रहे हैं नमाज। और तबीयत कैसी है? जी नहीं है। और अभी इफ्तारी के लिए बन रहा है, मतलब हमने ट्राई भी कर लिए, डोसा और डोसे की चटनी है। और ये है, मैंने ये बनाई है। हमारे यहाँ पर इफ्तारी बनेंगे अभी डोसा। ये स्टार्टिंग है ना, मतलब ये बहुत नमाज की थोड़ी देर पहले बना लिए थे हमने, तो अभी इतने सॉफ्ट दिख रहे हैं, नहीं तो ये क्रिस्पी थे, क्रिस्पी क्रिस्पी मुझे अभी सॉफ्ट हो गए। तो सबको गरम गरम बना के देंगे, इसलिए नहीं बनाए, ये तो ट्राई कर रहे थे कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं करके। ठीक है, तो अब मम्मी उठते हैं। मम्मी नमाज के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई मैं किचन में, हो गई मेरी नमाज। और जैसे कि अमीना ने बताया, मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी भी अच्छी नहीं है और उनको फीवर वापस से पलट के सुबह आया है। और क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो खैर चलिए, 6:45 हो गया है, डोसा बनाने में वक्त लगता है। तो वक्त मतलब कि ऐसा नहीं है ना पूरा इकट्ठा बन गया और अपन ने निकाल निकाल के देते गए, यहाँ मेरे को तो बनाना है, बड़े बड़े दो 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 बना बना के सबके घर पे जाऊंगी, तो मेरे को वो टाइम लगेगा। तो अब मैं मिलूंगी सीधा आपको दस्तर पर, ठीक है, इफ्तारी के दस्तर पर, जब तक कि अमीना शरबत वरबत का इंतजाम कर लेती, ठीक है। तो ये इफ्तारी की प्लेट, चटनी, यहाँ दूसरा बन रहा है, चलो देख कर आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, इफ्तारी का टाइम हो गया है, हमारा दस्तर लग गया है। हमेशा की तरह, मतलब रोज़ की तरह इफ्तारी में हम सब बैठ के दुआ मांग रहे हैं। और ये है आज का हमारा दस्तरखान, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ क्या बना वो भी बताइएगा। तो आ जाइए आप लोग भी सब हमारे साथ रोज़ा खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं रात के 12:15 और डोसा बनाया था मैंने। अब वो मैंने आज वो नहीं डाले इफ्तारी का, मेरे को याद भी नहीं है इनकी ना, तो हर दिन से आज ज्यादा तबीयत खराब लग रही है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ, भाईजान आ रहे हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी, वहाँ धुले हुए कपड़े पड़े, आप उस पर ध्यान रख दीजिएगा प्लीज। और मिलती हूँ आपको, हाँ यहाँ बहुत हवा चल रही है ना, इसलिए जल्दी लेकर आ गए, भाईजान आ रहे हैं इसलिए मैं रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।